चारों साइड से, तो सर्कलिंग, वहां पे भी, हाँ एंड सर्कलिंग, तो वहां पे भी क्या होता है, इंसान ना खुद को बाकी लोगों से दूर कर देता है, वो अपने ही विश्व में रहना चाहता है, उस विश्व से करेक्ट, बाहर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, अभी नीतू भारती का क्वेश्चन है, ही हाँ वॉन्ट्स टू डू, उनको आपके ये नाम भूल गया मैं इनका, पंकज है ना, प्रभो, प्रभाव प्रभाव, प्रभो, हाँ हाँ प्रभो जी को सिखाना क्यों पसंद है, ये क्वेश्चन है। हु वुड लाइक टू आंसर द व्हाई ही लाइक्स टू टीच, व्हाई ही लाइक्स टू टीच, कौन बताएगा? उनको पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाने की इच्छा होती है, दूसरे को सिखाने को मजा आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हु वुड लाइक टू टेल अस फ्रॉम वेयर, विच पार्ट ऑफ द सिग्नेचर वी गॉट टू नो दैट, रेज द हैंड इफ यू आर गेटिंग द आंसर। नो इट्स नॉट काउंसलर एम, इट्स नॉट एम इन द सिग्नेचर। यस गौरव यू कैन से, वन सेकंड लेट मी अनम्यूट यू। या गौरव, फ्रॉम वेयर यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन लाइक्स टू टीच? The counselor M, I was also about to say. The नो वे, M, because you know there is curving in नो नो नो, center. सेव योर सेल्फ, दिस इज नॉट। किशोर जी आप बोलिए, किशोर जी आपको, मेरे को लगता है आपको पकड़ में आया है वो चीज, क्या है बोलिए, व्हाट यू वुड से? किशोर जी आर यू देयर? ओके एनीवन एल्स गॉट द आइडिया? अभी तो मैंने क्लू भी दे दिया, ये देखो बड़ा बड़ा यूनिक है, आप लोगों को मजा आएगा जब बताऊंगा ना, आप बोलोगे यार सिली मी, इतना भी नहीं समझा, दैट विल बी योर रिएक्शन। नो अरुणा जी, नो। या किशोर जी आवाज आ रहा है आपको? ओके गाइस कम ऑन, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई, टेल मी समथिंग, वेर इज द सैंपल? ओके देखो मैं आपको क्लू देता हूं, जस्ट टाइप इन, टाइप इट डाउन, यू नो आपको क्या समझता है। अ पर्सन लाइक्स टू टीच समबडी विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट, टेल मी नाउ, अ पर्सन विल लाइक टू टीच समवन विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट, फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट दिस एनालिसिस? हाँ तो खड़ा कीजिए अगर आपको बोलना है तो, आई विल लाइक यू टू स्पीक, यू नो आप बोलेंगे किशोर जी करेक्ट, बिग सिग्नेचर, आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? इनका सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर का साइज, ये सिग्नेचर है, यहां से लेके यहां तक सिग्नेचर का साइज है ना, जबकि इनके जो लेटर्स है कैपिटल्स वो बड़े छोटे हैं, देखो एम इतना ही साइज का है, और यहाँ पे टोटल जो सिग्नेचर का साइज है वो बहुत बड़ा है ना, यहां से लेके यहां तक, इफ यू गो फॉर दी साइज, वर्टिकल साइज ऑफ द सिग्नेचर, इट्स अ बिग, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन बड़ा है, तो जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, पहली चीज होती है द पर्सन बिकम इगोइस्टिक, तो ये इंसान को किसी और इंसान को सिखाने में मजा आता है, ही विल लाइक टू टीच, यू गॉट इट एवरीवन? वाज इट अहा मोमेंट? ऑसम, और क्या एनालिसिस किया मैंने जो आपको नहीं समझा? यस ऑसम, और क्या एनालिसिस जो किया मैंने वो आपको नहीं समझा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। सबने नोट डाउन किया ना क्या एनालिसिस था? इनको डर लगता है, ये कहां से पता चला? इनको डर लगता है, ये कहां से पता चला? ओके अंचनमा, आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू स्पीक सो दैट रेस्ट ऑफ द पीपल गेट बेनिफिट आउट ऑफ यूर नोट्स, बाकी लोग तो इतने चनामा, द फर्स्ट थिंग यू सेड इज ही डजंट लाइक टू रिवील अबाउट हिमसेल्फ, व्हिच यू एक्सप्लेन नाउ अबाउट एनसर्कलिंग करेक्ट एंड टीचिंग दैट यू सेड अबाउट बिग साइज सिग्नेचर एंड करेक्ट इट टेक्स टाइम टू कमिट एंड ही नीड्स फैमिली पुश फॉर अ कमिटमेंट. वेरी ट्रू। नाउ दिस एनालिसिस, टेल मी, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कमिट,
एंड ही रिक्वायर्स फैमिली पुश टू कमिट, ये कहां से पता चलेगा? शैले जी वन एट ए टाइम, संगीता जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर से बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं देख रहे हम लोग, यू आर ओनली एनालाइजिंग सिग्नेचर। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये आदमी कमिट नहीं करता है जल्दी और फैमिली पुश रिक्वायर्ड है उसको हाँ बोलने के लिए, कमिट करने के लिए। सो हु वुड लाइक टू, जीत खत्री वॉन्ट्स टू स्पीक, ओके लेट मी अनम्यूट हिम। जीत खत्री, या जीत, yeah, is it, sir, it's due to the end circle which is going via M and going back, then there's a underline going ahead. Awesome, very good. So this is what is happening with this, that the stroke is going back. The moment you go back, it's like you don't want to commit. Always remember, agar aap aage nahi ja rahe ho, aage nahi badh rahe ho, to aapka commitment kaisa hai? Weak hai, commitment nahi karna hai. Lekin jab ye piche jata hai तो पीछे यहाँ पे क्या होता है, पीछे जाके वापस आगे आता है। Are you getting it? पीछे जाके वापस आगे आ रहा है, तो फैमिली का पुश मिल रहा है। इफ यू रिमेंबर द वे वी एनालाइज द टी, द वे वी एनालाइज द एफ, एफ और टी को सिखाया था मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर इन द क्लास, सबने वीडियोस देखे एफ और टी के, तो उधर जाके देखो आपको समझेगा कि ये पुश को वाई वी आर कंसिडरिंग इट इज अ फैमिली पुश, ठीक है? Yes, sir. तो ये इसका एनालिसिस, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी गुड, वेल डन जीत, बहुत अच्छा किया। तो नेक्स्ट का एनालिसिस है ना माजी, बोलिए। डजंट लाइक टू हर्ट पीपल। ओह दिस इज वेरी नाइस, हु विल लाइक टू गेट इनटू दिस, ही डजंट लाइक टू हर्ट पीपल, ही टेक्स केयर ऑफ अदर्स इमोशन, वो बाकी लोगों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं कि किसी को, अरे मेरा वीडियो ऑफ है, आई वाज नॉट अवेयर, यू मस्ट हैव टोल्ड, ओके, सो फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन? Nitu Bharati ji, no, we are not talking about that. Although you might be correct, but that is about a person understanding. We are talking about hurting. Understand karta hai, wo alag concept ho gaya. Hurt karna achha nahi lagta, wo alag concept ho gaya. Kahan se, signature mein ye kahan se pata chalega ki is insaan ko dusre logo ki feelings ki kadar hai aur wo unko hurt nahi karna chahta. Anyone, just give it a random thought. थोड़ा सा ट्राई करो, गलती होगा तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, खाली इट डजंट हैव टू बी वेरी वाइल्ड। यस एनीवन, नो गौरव पी, नो कंचन जी, नो एनीवन वांट्स टू स्पीक एंड हाउ गॉट इट, देखो अरुणा गैप, नो नॉट एट ऑल, दिस इज इंटरेस्टिंग, बाकी लोग भी जरा कमेंट कीजिए, कहां से दिखेगा कि ये इंसान को दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, ही वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ द अदर्स फीलिंग। कप आफ्टर द एम स्ट्रोक, नो नॉट एट ऑल, एम कर्व, नो नॉट एट ऑल, एंडिंग स्ट्रोक, नो, साइज ऑफ पी एंड सेम, नो, व्हाट इज दैट विच यू गाइज आर मिसिंग, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? He has covered his name and signature, no, maniac M, no, dotting, no, angles, no, restry, I don't understand what you are trying to say, but no. क्या miss कर रहे हो आप लोग? देखो ध्यान से, वापस से मैं जरा इसको magnify करता हूँ, देखिए, what are you missing? So sorry, हाँ, not connected letters, no, there is no logic, connected letters. क्या मिस कर रहे हो जो मैंने देखा आपने नहीं देखा अब तक? एक्सटेंडेड लाइन, नो, दिस इज नॉट अबाउट दैट, एनसर्कलिंग ऑफ द इनिशियल एंड सरनेम आल्सो, नो देयर इज नो लॉजिक, क्या है वो चीज जिसमें ये आदमी दूसरे की फीलिंग को हर्ट नहीं करता है? Curvy M? Nope, that's not the logic. That is not the... Chanamaji, any thoughts you have? Should I reveal? You guys lost already. Do you guys accept this defeat? Are you accepting the defeat? Yeah.
What about others? Or you want to give it a try? Slants? No. How many of you are accepting the defeats? Let me count. 1, 2. Give me 10 defeats, you know. 3, 4, 5, 6. Kitna kushuriel, jo kitna jaldi type kar rahe. So, 6, 7, 8, 2 more. No, Dineji, is it not? Last one I need. Who is the lucky guy? Okay, we have got 10. Yes. It is a diplomatic M. It is the diplomatic. Can you see all of you? Diplomatic M. Are you able to connect? The M which he makes, bearing this one, isko chhod do. Kyunki wo do M jo dikh raha hai aapko, wo dekho uska jo tendency hai, wo diplomatic M banane ka tendency. Are you getting it, everyone? अरे समझा क्या? M जो है वो diplomatic है, ये दिख रहा है आपको? ये M का first stroke is bigger than the second stroke. First stroke is bigger than the second stroke. This is the diplomatic M. तो diplomatic में क्या होता है? इंसान किसी और की feeling को hurt नहीं करना चाहता, वो manage करता है. गलती से गलत कुछ भूल भी दे दे तो तुरंत sorry बोल देगा, तुरंत उसको cover up कर लेगा. फर्स्ट टर्म इज बिगर देन द सेकंड हायर. करेक्ट. अहा मोमेंट था आप सबके लिए. इतना छोटा, इतना सादा, इतना कि दिखाई नहीं दे रहा था. राइट ऑल ऑफ यू. चनमा, इज इट गुड? वेरी गुड सर. ऑसम. ऑसम. अहा मोमेंट. अमेजिंग रियली. And sir, there are totally 13 things that you have told about only this signature. Yeah. So we are going to... surprised. Yes. Now next, what is next? Whenever he goes somewhere, it takes a lot of time to complete, like government officers and all. Yeah, बहुत easy है. आप सबको आता ही है. From where I could have told that which trick? Ending stroke, as simple as that. So simple, all of you. Ending stroke. कहीं भी जाएंगे, समय लगेगा, टाइम जाएगा. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ही इज गुड विद हिज पार्ट ऑफ वर्क. व्हाटएवर वर्क इज असाइंड टू हिम, ही इज गुड विद दैट. ही डजंट डू अदर्स वर्क. वो कहां से पता चलेगा? चनम्मा, बाकी लोग बताओ, कहां से पता चलेगा ये कि खुद का काम बड़े अच्छे से करते हैं, दूसरे के काम को हाथ नहीं लगाते, लेकिन अपना जो काम है. देखो सुशांत रायकर, करेक्ट. डॉट डॉट डॉट, डॉटिंग, परफेक्ट. यस, नेक्स्ट एनालिसिस. He is very organized in planning work, keeping things, etc. बहुत organized है, planning अच्छे से करते हैं. ये कहाँ से पता चलेगा? His handwriting? No, we are only talking about signature. We are only talking about signature. I have not touched the handwriting at all. Signature में कहाँ से पता चलेगा कि organized है, plan अच्छा से करते हैं, planning अच्छे से करते हैं? Yes, anyone? What do you think? कि planning ये अच्छे से करते हैं, organized है, ये कहाँ से पता चलेगा? कहाँ big capital से अरुणा? किधर big capital आपको दिख रहे हैं? सादे तो capitals हैं. स्मिता, सबनीस, आप पास में आके दूर गए हो. You got it correct, but not exactly. Correct, you know, it's like there is no logic. Space का तो logic नहीं, this किसी और का logic हो सकता है. Yeah, Chanama, what do you think? No idea, sir. So Ruchi says signature going in upper zone, spacing of second circle, consistency. वो trade कौन सा है consistency का? Clean signature, clear mind? No, not at all. Again, a person is very good at planning, implementing, you know, his own stuff. Dotting in signature. खुद की लाइफ को बराबर से मैनेज करते, खुद की लाइफ को बराबर से रखते. Are you getting it? They organized. They are organized, no? They organize themselves. इसलिए तो खुद का काम अच्छे से करते हैं ना सब लोग, डॉटिंग वाले. Are you getting it? All of you get? Are you getting it? Yes, sir.
डॉटिंग इन द सिग्नेचर विल टेल यू दैट दिस पर्सन इज गुड विथ हिज ओन वर्क, खुद के काम के साथ अच्छे से, तो प्लानिंग अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क ही टेंड्स टू ओवरथिंक अ लॉट. काम को चालू, अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काम को चालू करने के पहले वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार में बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड इसके ऊपर उनकी तो हंसी भी छूट पड़ी थी. ठीक है, ये कहां से पता चलता है बोलो? नो गौरव, इट्स नॉट द एन एम का हेम्प, इट्स नॉट अबाउट दैट. अरुणा जी हैज गॉट इट करेक्ट. Shanama, you got it? Overthinking? Yes, sir. Retracing of P. Retracing of P, retracing of M. M में भी देखो दो स्ट्रोक आते हैं, P में दो स्ट्रोक आते हैं, M में वापस से दो स्ट्रोक आते हैं. Everybody is getting it right? जहां पे भी M में इस तरह के दो स्ट्रोक आ जाएंगे, इसका मतलब है thinking में बहुत वक्त लगेगा. काम चार, देखो ये initial stroke की बात कर रहा हूं, तो सोच विचार में बहुत ज्यादा समय जाने वाला है. It's like a lot of time will be invested in thinking. Great. Okay, what was the next analysis? He does not get marks or recognition as per his potential. Wow, this is too great. Ye analysis to kya amazing tha na, dikhta hi nahi kahan se ye pata chala, right? Yes, kahan se pata chala hoga all of you? Inko marks jo hai, inke potential ke hisab se nahi mile. कहां से पता चला होगा बोलिए? कनेक्शंस मिसिंग, सिग्नेचर इन सर्कल, ओनली लाइट इनिशियल्स. गाइस व्हाट एल्स कुड बी देयर? इनको मार्क्स उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं मिले. देखो कनेक्शन है हैंडराइटिंग में, तो मार्क्स तो अच्छे मिलने चाहिए थे, हम तो उल्टा बात कर रहे हैं. ये कहां से पता चल रहा है? एंड वी आर ओनली एनालाइजिंग द सिग्नेचर, वी आर नॉट एनालाइजिंग द हैंडराइटिंग एट ऑल. नो कनेक्शन इन द सिग्नेचर, कांट चेंज करते एम डॉट आफ्टर पी स्मॉल कैपिटल्स. सी नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनका नाम क्या था चन्ना भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ द महेश्वरी? माहेश्वरी ना, माहेश्वरी, प्रभाव महेश्वरी. हाँ, सो द महेश्वरी इज सपोज टू बी द फुल सिग्नेचर. डू यू सी दैट पार्ट ऑफ द सिग्नेचर महेश्वरी जहां पे लिखा हुआ है फुल? दिख रहा है आप सब लोगों को? कैन यू ऑल सी इट? नहीं दिख रहा है ना? इसका मतलब ये क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया कि ये हो गया लॉन्ग कट हो गया? व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? शॉर्टकट है ना? अरे हाया ना, ऑल ऑफ यू, शॉर्टकट है, जस्ट टाइप इन, या इट इज अ शॉर्टकट. तो व्हेन यू टेक शॉर्टकट, अगर आपने लाइफ में चीटिंग किया, आपने लाइफ में शॉर्टकट लिया, तो आपके साथ क्या होता है? नो रिकॉग्निशन, यू डोंट मैनिफेस्ट द थिंग्स फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल बच्चा है, उसको 9 महीना लगने वाला है, अगर आपने 8 महीने में या 7 महीने में करने की कोशिश की, तो देयर इज अ चांस दैट यू मे लूज आउट द किड. और जो अगर वो बच्चा होगा भी, तो वो हेल्दी नहीं होगा ज्यादा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट इज व्हाट दिस सिग्नेचर मींस. यहां पे वो चीज को लिखा ही नहीं है, जो माहेश्वरी का रिमेनिंग पार्ट वो लिखा ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी शॉर्टकट लेता है, और अगर ये शॉर्टकट लेगा तो लास्ट एग्जाम में उनके मार्क्स हमेशा उसको कम मिलेंगे, लास्ट एग्जाम में उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे. समझ रहे हो? तो द एनालिसिस ऑफ लेस मार्क्स केम थ्रू दैट थिंग. थैंक यू रुचि, हैड अ आहा मोमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट एनालिसिस चन्नामा? आर यू देयर आर यू गॉन? ओके, what was the next analysis? Not readily open to new friendship. ये तो बहुत इजी है, आप सब लोगों को पता है.
नॉट रेडीली ओपन फॉर न्यू फ्रेंडशिप, ये कहां से पता चलेगा? अरे बहुत सारे आहा और है अपने बाकी, अभी आएंगे। चन्ना में हैड आहा मोमेंट, जानवी हैड आहा मोमेंट, या अरुणा जी करेक्ट, इट्स एनसर्कलिंग। एनसर्कलिंग के कारण क्या होता है, अ पर्सन इज नॉट ओपन फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, उसका पूरा विश्व उस सर्कल के अंदर बैठ जाता है, वो ज्यादा दूसरे लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। वेरी गुड, वेरी गुड। या व्हाट इज द नेक्स्ट? ही गेट्स बैक एक समटाइम्स। बैक एक, ये कोई तो भी बहुत परेशान है बैक एक को लेके, बार बार बैक एक बैक एक बैक एक डाल रहा था। बहुत इजी है, बैक एक कहां से पता चलता है? अपर बैक पेन कहां से पता चलता है? इन दिस सिग्नेचर कहां से पता चलेगा अपर बैक पेन? अरुणा जी रॉन्ग, करेक्ट कांचन जी, द एंगल ऑफ द सिग्नेचर, लुक एट द एंगल गाइस, इट्स अराउंड 30 to 40 degree, ये है ना एंगल, देखो सिग्नेचर का किस तरह से है। यू गॉट इट चन्नम्मा, यू गॉट इट? यस सर। एंगल इन द सिग्नेचर, जब एंगल बढ़ता है इस तरह से 30 डिग्री के ऊपर जाना चालू हो जाता है, तो बैक पेन मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है? ये भी आप लोगों ने देखा नहीं। ओके व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? You told about not achieving as per as potential. I think that is related to the previous one. Maheshwari not written. Correct. The next one is, the last one is, father was too busy between his age of 7 to 14 years. Whoa. I went to his house, by the way, just to check what was happening. Through handwriting. Maheshwari. So, you tell me. Okay. From where we will get this? That father was not there present in his life between 7 to 14 from the signature. Okay, Lata ji, absence of father's initial could be one sign. What is the other? Let's assume ki yahan pe father ka initial hai, uske baad bhi main bol raha hu ki father nahi the ghar pe, to kahan se pata chalega? Gauru says spacing. No, it's not spacing. Chanama, what is your thought? What do you think? Father nahi the ghar pe bachpan mein. Ye kahan se pata chalega? Agar samjho ki father ke initial bhi likha hai signature mein. Still I am saying that father was not there in your childhood with you. No idea, sir. Okay. What about the people? Aruna says dot. Nope, not dot. M small. No. No. इनके फादर घर पे थे लेकिन बिजी थे, ये भी उन्होंने बोला। रुचि जैन, नॉट इनफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ एनसर्कलिंग, तो गॉट इट करेक्ट बट पार्शियली करेक्ट। संगीता एफ्सिलॉन, पी रिटन इन स्मॉल, नो एफ्सिलॉन, नो सर्कल गोइंग टू फार, नो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट। सी नाउ हु विल लाइक टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक? Who will like to give it a try by speaking instead of typing? Raise your hand, I will allow you to speak, other than Ruchi. Ruchi ji ka haath bahut der se khada hai. Anyone else wants to talk about this topic? Chalo, I'm going to mute you because I think we have covered every question, right? Every analysis. Yes, sir. Thank you. Awesome. Thank you. Okay. So who would like to discuss this? The question is, what will happen if the person's father is with him from 7 to 14 years of age? That is the question. And what is the significance of his presence in the signature? We are only talking about signature. Anyone who like to give it a try, what is the thought process? Who would like to give it a try? The person who has studied, by the way. It's a normal thing. I will just have a friendly conversation. And the question you need to answer is, what will happen if a person gets a lot of father's presence in his life between 7 to 14 years of his age? Kya hoga? Who will like to speak? I don't know. Daro mat aap log. Try to think you through.
जीत, इफ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, आपके हिसाब से अगर फादर आपके लाइफ में रहेंगे 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज तो क्या होगा? सेवन टू फोर्टीन ईयर्स के एज में क्या होता है? वी हैव स्टडीड दिस इन द फर्स्ट लेक्चर, 0 to 7, 7 to 14 क्या होता है, किस तरह से प्रोग्रामिंग होता है? Is it related to lower zone, like the see 7 to 14 ki beech mein kya hota hai, a person becomes more confident. Agar uske father ka support mila to wo action oriented banta hai, wo bade kaam badi cheeze karne ki kabiliyat lata hai, hai na? To inke jo capitals hai they are very small. It means that his father was not with him to encourage him, to give support to him, to motivate him to do work. तो इसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं जनरेट हुआ कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. मजा आया? Absolutely, sir. So that is, are you getting everyone? This is what the analysis. तो सिग्नेचर में इनके कैपिटल का साइज छोटा है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनको फादर का सपोर्ट नहीं मिला है उतना जितना मिलना चाहिए था. इसका मतलब फादर शायद घर पे नहीं थे, या घर पे भी थे तो अवेलेबल नहीं थे. ग्रेट. सो अंजलि हैज अ मोमेंट, लता हैज अ मोमेंट. देखो आपको लगा था इसमें से क्या बताएंगे हम लोग, कितनी सारी चीजें पता चली हम लोग को. ओनली 2 letters and 1 curve. स्मिता ऑल्सो आज आहा. संगीता हैज अ वाओ मोमेंट. Great. Thank you very much. I hope you understood how you can, you should approach to the signature analysis. Yeah, that is why I chose this signature, because it was very short, and I wanted you to teach that how much can be revealed by such a small signature as well. And नहीं तो क्या होता, बड़ी signature में तो आपको इतना सारा data मिलता है, पर कुछ भी नहीं आपके साथ, कुछ भी आपके सामने नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि analysis कैसे कर सकते हैं. For example, Vijay Mallya. Vijay Mallya ki signature mein you will see that there is nothing. Usme bhi aapka analysis aana chahiye na. Theek hai? Great. So if anyone want to speak anything right now or want to share something, please do. Today we will be closing a bit early. It's 11 o'clock right now. 5 minutes more, we will have discussion and then we'll close the session. I'm allowing you all to speak if you want to speak. Yeah, you can mute, unmute and speak. So it was like a small ant, signature was a small ant, the analysis was like an elephant. See, that is, and the best part is, if you observe Anjali, best part is, whatever we analyzed, you know the traits already. Yeah. हमने एनालिसिस, मैंने एनालिसिस किया वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेड्स को यूज करके मैंने एनालिसिस किया वो आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है. आर यू गेटिंग? है ना? यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट, यू ऑलरेडी नो किसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन उसको सोचने का और बताने का जो तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा कि ये ट्रेड वही है, इसको और कैसे सोचा जा सकता है और क्या मीनिंग हो सकता है इसका, है ना? ग्रेट. थैंक यू. Yeah. It just give us more exercises like this. So we'll get used to our way of thinking. We can change. Yeah, yeah. वही तो कर रहे हैं हम लोग ना. कल last time भी वैसे ही किया. No, more signatures in one session. More than one. No, one is fine. You know, एक में ही देखो ना इतना कितना कुछ सीखने को मिलता है. Or some midweek sessions you can hold, sir, just for practice sake. No, you see, लता जी, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, जहाँ से ये पता चलेगा कि आप कितना स्टडी कर रहे हो, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपको प्रैक्टिस मिलना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने अपने बीच में भी सेशंस कर सकते हो. यू कैन मीट अमंग योरसेल्फ एंड डिस्कस, यू नो. उसमें ज्यादा वी स्टडी बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द सिग्नेचर. हाउ टू अप्लाई इट इन द सिग्नेचर वी वांट टू लर्न, लाइक यू डोंट नो. उसके लिए आपको ना लोगों से मिलना पड़ेगा.
जिनका आप एनालिसिस कर रहे हो ना उनके उन लोगों के पास जाके बैठ के आपको या फिर फोन पे आपको ना यू विल हैव टू डिस्कस अ लॉट. मेरा ये लॉजिक डेवलप होने का रीजन है कि मैंने बहुत सारा फिजिकल एनालिसिस कैरी आउट किया है. सो दैट इज हाउ आई नो लॉट ऑफ